आज के इस वीडियो में बताएंगे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो कि 12 पास छात्राओं को 10,000 रुपये छात्रवृत्ति की तौर पे मिलता है। तो अगर 2020 में आप या आपकी कोई भी रिलेटिव लड़की जो 2020 में इंटर पास की है और उसको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के द्वारा 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन उस स्कॉलरशिप के लिए आपने आवेदन कर दिया है, तो आज की इस वीडियो में बताएंगे वो सारी आवेदन को रद्द कर दिया गया है, उसके लिए फिर से आपको आवेदन करनी होगी। पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो भी आप सितंबर में आवेदन किए थे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 12वीं पास वाले के लिए, सभी का आवेदन को रद्द कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे री अप्लाई कैसे करते हैं, फिर से अप्लाई करना होगा जिसका जिसका रिजेक्ट हुआ, मतलब कि सभी का रिजेक्ट हो गया है जो भी सितंबर में अप्लाई किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी विस्तार से किस तरह री अप्लाई करते हैं जिसका भी रिजेक्ट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा ई कल्याण की वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप ई कल्याण की वेबसाइट पर आएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि अपनी जानकारी सबमिट करने से पहले जांच लें, ठीक है। अगर किसी तरह की त्रुटि हो चुकी है, गलती हो चुकी है, तो इस लिंक पे क्लिक करके उसको सुधार कर सकते हैं। और यहाँ से आवेदन के स्टेटस आप देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद कुछ इस तरह आपके साथ सामने रिजल्ट आ जाएगा। आपका कॉलेज का नाम, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फादर का नाम, मदर का नाम, और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका शो नहीं करेगा, ना ही आधार नंबर शो करेगा। और यहाँ पे फाइनलाइज में आपको नो अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका रिजेक्ट हो गया है। और बैंक स्टेटस में आपको इन प्रोग्रेस दिखाएगा। तो अगर आपका अकाउंट नंबर, आधार नंबर यहाँ पे और यहाँ पे फाइनलाइज में यस नहीं शो कर रहा है, नो शो कर रहा है, तो इसका मतलब होगी आपका रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह अपना स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। चेक करने के बाद जब आपका नाम, अकाउंट नंबर, आधार नंबर और फाइनलाइज में यस आ रहा है, तो इसका मतलब हो चुका है कि आपका सही है, रिजेक्ट नहीं। अगर नो आ रहा है तो आपको यहाँ से फिर से अप्लाई करना होगा, यानी कि सभी का रिजेक्ट हुआ है, सभी का नो शो कर रहा है अभी, तो हम यहाँ पे अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे यस कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह इसको रीअप्लाई करते हैं। रीअप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस वेब इस तरह आपको सेंटर फेस दिखेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, यहाँ पे इंटर में जितनी मार्क है वो मार्क देंगे और इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। कैप्चर फिलअप करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन में क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, या जो पिछली बार मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर वहाँ पर ऑटोमेटिक ऑलरेडी लिखा रहेगा। उस पर आपको OTP जाएगा। OTP को देने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा। चलिए वेरीफाई जब हो जाए, उसके बाद कुछ इस तक आपके सामने वेरीफाई जब करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तक डैशबोर्ड आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम वगैरह आएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे अपडेट बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे। चेक करेंगे हमारा डिटेल जो मैंने पहले सबमिट किया था वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करेंगे पहले। तो अपडेट बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर चुका, यहाँ पे जो डिटेल मैंने हाइड किया वही डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर। इससे पहले मैं इसका सबमिट किया था, मतलब अप्लाई किया था, तो यहाँ पे उनका आधार नाम भी दिया तो वो भी शो नहीं कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिया तो वो भी शो नहीं कर रहा है, आधार नंबर दिया था वो भी शो नहीं कर रहा है, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ये अकाउंट डिटेल, सारा चीज़ मैंने इससे पहले देखे सबमिट किया था, ठीक है। इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार में जो नाम वो नाम देंगी, जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है वो देंगी, यहाँ पे आधार नंबर देंगे, उसके बाद आधार नंबर देने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आधार नंबर आपका अगर हरा हो जाता है तो इसका मतलब ये आधार वेरीफाई हो चुका है। यहाँ मोबाइल नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में जो नाम वो नाम देंगे, बैंक की IFSC कोड देंगे। जैसे ही बैंक की IFSC कोड देंगे तो IFSC कोड देंगे, बैंक का नाम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ बैंक अकाउंट का नंबर देना होगा, उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना होगा। ये पूरी डिटेल देने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे, ये डिटेल जो ये सेव हो चुका। उसके बाद गो टू होम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल पे फिर से क्लिक करके अपनी डिटेल देख सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल वहाँ पे सेव हो चुकी है। सेव हो जाने के बाद यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करने कुछ इस तरह यहाँ पे क्लिक हेयर
तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इसे प्रीव्यू करके देख भी सकते। चलिए प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लेते एक बार। यहाँ पे आपकी डिटेल शो कर जाएगी। उसके बाद मेरा डिटेल सही है तो दोनों बॉक्स में टिक मार का लगाएंगे। उसके बाद ये नीचे में आएंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइनल के लिए यस पे क्लिक करेंगे। तो हमारा ये सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। इस रिसिप्ट को प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। अगर आप फिर से होम पे आएंगे, होम पे आने के बाद बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर एप्लीकेशन फाइनली, मतलब आपका जो एप्लीकेशन वो ऑलरेडी सबमिटेड हो चुका है। अगर आप फिर से होम पे जाके बैंक डिटेल पे क्लिक करते हैं तो मतलब यहाँ पे मेरा फिर से आवेदन हो चुका है। तो यही था पूरा प्रक्रिया, यही था पूरा प्रक्रिया कि रिजेक्ट होने के बाद किस तरह आवेदन कर सकते, किस तरह स्टेटस चेक कर सकते। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।